अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। और कैसे चल रहे हैं भैया आप सबके रोज़े? उम्मीद करती हूँ बढ़िया रोज़े चल रहे होंगे। तो आज देखिए रूटीन हमारी क्या है, ये और फोर्थ रमज़ान शरीफ की रूटीन है हमारी ये। तो हमने सबसे पहले आज कुकिंग स्टार्ट की है। कुकिंग तो रोज़ स्टार्ट होती है मेरी, लेकिन आज हमने कहा पहले जो है हम खाना बना लेते हैं। अफ्तार वाला जो इतना भी मेरा आइटम है वो बाद में करते हैं, पहले हम खाना बना लेते हैं। तो आज खाने में हम अरबी गोश्त का सालन बना रहे हैं, जिसे मतलब गुइया गोश्त सालन बोलते हैं। तो हम वो बना रहे हैं आज खाने में। तो सबसे पहले हमने गोश्त बघार दिया प्याज डाल करके। तो हम किस तरह से अपने घर में बनाते हैं, ये हमारे घर का गुइया गोश्त सालन किस तरह से बनता है ये आप देखें। तो यहाँ पर हमने दो प्याज पीस के डाल दिए, और यहाँ पर हमने मसाले डाल दिए, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर डाल दिया। तो अरे अभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट तो रह गया है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर देते हैं। तो वो भी इसमें चला गया देखिए। तो इनको हमें अच्छी तरह से भून लेना है, इनकी भुनाई अच्छी तरह से करना है। पहले हमें गोश्त को भून लेना है प्याज में, सुर्ख कर लेना है। उसके बाद हमें मसालों को भी अच्छी तरह से, मसालों में भी भून लेना अच्छी तरह से। तो गोश्त की हमें भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से, 6-7 मिनट तक के इसकी भुनाई कर लें अच्छी तरह से। और जब तेल इसमें छोड़ देगा तब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो देखिए भुनाई हो चुकी है अच्छी तरह से इसकी। अब इसमें हम पानी डाल के इसमें सीटी लगाएंगे। तो इसमें नमक रह गया, नमक चला जाएगा, तो नमक अब इसमें डाल देंगे हम। तो चलिए हम इसमें लिड लगा देते हैं। अब ये प्रेशर लगा देते हैं हम इसमें, और सीटी आ जाएगी 8 से 10। तब उसके बाद हम इसमें गुइया डाल देंगे छील के धो के अच्छी तरह से। तो उधर सीटियाँ आ रही हैं, इधर हमने चावल भी एक तरफ रख दिया चूल्हे पर, चावल धो के हमने चढ़ा दिया। चावल भी जल्दी से तैयार हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर चावल में देखिए उबाल आ चुका है, तो इसे हम चले स्ट्रेन कर लेते हैं। पानी को हम सब निकाल देंगे। चावल इसी तरह हम बनाते हैं, जब चावल में उबाल आ जाता है और 3-4 मिनट ये पक जाते हैं, तब उसके बाद स्ट्रेन करके इसे हम दम पे रख देते हैं। तो चावल दम पे रख दिया, चले हम रोटी भी फटाफट से बना लेते हैं। तो देखिए हमारे घर में हम कैसे रोटी बनाते हैं। तो ये है मेरे घर की चपाती रोटी। ये चपाती रोटी इस तरह से हम बनाते हैं, हमारे घर में इसी तरह से सब रोटी पसंद करते हैं। शुरू से इसी तरह से रोटी बनती आ रही है। मैं अपने घर पे भी थी जब मायके में, तो मेरी मम्मी मालदा भी इसी तरह से मेरी चपाती बनाती थी, और मैं भी इसी तरह से चपाती बनाती हूँ। तो रोटी हम फटाफट से बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी रोटियाँ बन गई हैं। अब हम ये है होममेड हमारी, रेडीमेड हमारी ये बर्गर पैटी थी, गुड बेकरी से बाई की थी। तो हमने कहा बर्गर बना लेते हैं, तो ये वेज पैटी है, तो इसे फ्राई कर लेते हैं। तो थोड़ा सा गुड बेकरी से मैंने जो है रेडीमेड आइटम ले लिया था, जिसे तार में हमारे आसानी हो सके और फटाफट से जो कुछ भी बनाना हो तो हम बना लें। तो यहाँ पर हमारी बेटी अब ये फ्राई कर रही है। असर का वक्त हो चुका था, अजान हो चुकी थी, नमाज़ पढ़ने में चली गई थी। तो ये बर्गर तैयार हो गए देखिए। तो बर्गर की रेसिपी मैं आप लोगों को दे दूंगी, मैंने इससे पहले बर्गर की रेसिपी आप लोगों को दी है, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आज हम क्या बना रहे हैं, मेन हमारा जो हमने रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ये ब्रेड चीज़ी रोल, नहीं चीज़ी रोल नहीं, ब्रेड चीज़ी स्टिक लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो ब्रेड पर देखिए पहले मैंने पिज़्ज़ा वाली जो है सैंडविच सॉस होती है उसे स्प्रेड कर दिया है। तो आप कोई भी जो है आपके पास मेयोनीज या सॉस कोई भी है तो आप वो स्प्रेड कर दें ब्रेड पर इस तरह से। तो आज की मेरी मेन रेसिपी यही है आप लोगों के लिए, ब्रेड चीज़ी स्टिक्स। तो यहाँ पर ये चिकन स्टफिंग हमने तैयार करके रखी हुई थी, तो जैसे मैंने अभी ब्रेड पॉकेट्स की स्टफिंग तैयार की थी, सेम स्टफिंग मैंने तैयार की है।
और इसमें अब ये चीज़ हम ग्रेट कर देंगे। देखिए तो आप जो है मोजरेला चीज़ ले लें या कॉटेज चीज़ ले लें, ये क्यूब वाली ले लें। तो क्यूब वाली चीज़ मैंने जो है इसमें ग्रेट की है, तो एक क्यूब पूरा मैंने ग्रेट कर दिया ब्रेड के ऊपर। तो दूसरी स्लाइस इसके ऊपर रख के हल्के हल्के हाथों से आप इसे दबा दें, प्रेस कर दें हल्के हल्के हाथों से। तो ये प्लेट में जो है मैंने दो अंडे फेंट के रखे हुए हैं, देखिए। तो सेम मेथड से बनेगा जैसे पॉकेट्स से मैंने बनाई थी ब्रेड वाली। इसको हम जो अंडे में कोटेड करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में लपेट करके इसे हम फ्राई कर लेंगे तेल में। बहुत ही ईजी और बहुत जल्दी बन जाती है ये। तो ब्रेड क्रम्स हम ले लेंगे एक प्लेट में। तो जो बची हुई ब्रेड मेरी हो जाती है तो उन्हें मैं सुखा करके इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना के रख लेती हूँ एक कंटेनर में। तो मैंने देखिए इसको फ्राई करना शुरू कर दिया, फ्राई हो गई है और तेल मेरा आज कुछ ज़्यादा गर्म हो चुका था। और मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ तेल ज़्यादा गर्म ना हो और आप मीडियम पे फ्लेम पे ध्यान रखें। मेरी बेटी भी मेरे साथ लगी है, मेरी हेल्प करा रही है क्योंकि अब वक्त बहुत कम है, पौने छः हो रहा है, तो वो भी मेरे साथ हेल्प ले। तो ये मेरी बनके तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। तो रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये आज की हमारी अफ्तारी, बस थोड़ी सी जो हो सके कोशिश पकौड़ियाँ हैं और बर्गर है। तो ये देखिए ये हमारी ब्रेड स्टिक है, चीज़ी ब्रेड स्टिक है। तो कैसी लगी रेसिपी, पसंद आती तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलती हूँ, चाहे अल्लाह हाफिज़।